हेलो दोस्तों, माय नेम इज लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम हैव के यूज स्टार्ट कर चुके हैं। देखते हैं आज पार्ट वन अपन का कर चुके हैं। जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन जाके देखे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि हैव के साथ क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, जिसे आपने बी में देखा था। देखते हैं एग्जाम्पल, दे हैव अ कार। अब हैव क्या है, यहाँ पे वर्ब है क्योंकि इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या है अकार ऑब्जेक्ट, इसका आर्टिकल ये इसका ऑब्जेक्ट, तो पूरा ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट यानी कि टीवी है। क्यों टीवी के जस्ट, अगर किसी वर्ब का जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो टीवी की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी हिंदी करें कैसे होगा, दे है, उनके पास है। वाट होम से क्वेश्चन पूछना पड़ता है टीवी में, तो वाट होम से क्वेश्चन पूछा, वाट क्या है कार, इस पर रिएक्शन जा रहा है ना, क्या है कार, एक कार है, तो इससे क्वेश्चन पूछ रही, इस पर इफेक्ट हो रहा था, यानी कि टीवी है जो है, वे क्या है, टीवी है। ठीक है, तो ये इसके तरह यहाँ पर मेन वर्ग की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ग की तरफ, हेल्पिंग वर्ग थोड़ी ना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे फिर मेन वर्ब आनी पड़ती। यहाँ पर मेन वर्ब थोड़ी ना, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि ये मेन वर्ब है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हैव के बाद नाउन आ सकता है। ठीक है, क्या ही पूरा क्या है, नाउन, हैव के बाद नाउन, मेन वर्ग के, मेन वर्ब जब हैव मेन वर्ग के रूप में हो तो हैव के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज सक्सेस। अब हैज क्या है यहाँ पे, हैज पहले तो देखो, ये सक्सेस क्या है, ये क्या है, नाउन है। नाउन कैसे पता करते हैं, मैंने बताया था जैसे सक्सेस का पता करना है, तो एक रिदम बताया था कैसे पता करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रेस्ट है, तुम्हारी सक्सेस, अगर बोलने में से लगा ये पूरा सेंटेंस तो ये क्या है, नाउन हो जाएगी। जैसे सक्सेस का पता करना था तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी रेस्ट है, तुम्हारी सक्सेस, बोलने में से लगा, यानी कि ये नाउन है। अब हैज के बाद नाउन आ सकती है, क्यों, हैज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो हैज के बाद नाउन आ सकती है, तो क्या है, नाउन आ रही है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट की फिर एक होगी टीवी, क्योंकि टीवी के जस्ट बाद हो, अगर किसी वर्ब के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो क्या होती है, वर्ब होती, और वर्ब ही कौन सी होती है, टीवी वर्ब, तो क्योंकि टीवी का ही ऑब्जेक्ट होता है, आई टीवी का तो ऑब्जेक्ट होता नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दो चीज़ों का होता है, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा। अरे जो ऑब्जेक्ट है इस टीवी का ही है, क्योंकि प्रीपोजिशन तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा ना, तो इस टीवी का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप या तो वीडियो को स्लो कर लो या फिर मुझे कमेंट में डाल दो कि हाँ लोकेश थोड़ा आप स्लो पढ़ाइए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज हैविंग अ कार। अब हैविंग क्या है यहाँ पे, ये जो पहले जो वर्ड पढ़ रहे थे अपन, हैव का जो यूज पढ़ रहे थे वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऐसे काम करता था, लेकिन इस हैव का मतलब थोड़ा अलग है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस करना। ही इज हैविंग अ कार। अब एक्सपीरियंस करना में कार थोड़ी ना आती है, क्यों, क्योंकि हैविंग एक्सपीरियंस कर रहा है तो कार को एक्सपीरियंस थोड़ी ना करते हैं। हाँ, ये वाला सेंटेंस जरूर सही हो जाएगा, ही इज हैविंग अ पेन इन हिज हैंड, तो हैविंग यानी एक्सपीरियंस कर रहा है एक पेन को, उसके हाथ में एक पेन हो रहा है, उसको महसूस कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके हाथ में, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। और यहाँ पे हैविंग क्या है, ये हैविंग क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है आईएनजी वाली, जैसे अपने बी में पढ़ा, इज क्या है, बी तो है, जो अपने जस्ट हैव के पहले बी पढ़ा था, तो बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, और आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी, हैविंग, और हैविंग हिसाब से पेन आ जाए, क्यों, क्योंकि हैव क्या है, हैव के चार टाइप है ना, हैज, हैव, हैड और हैविंग, तो हैव के बाद जस्ट बाद नाउन आ सकता है, तो इस हैव का ये नाउन हो गया और इस बी की ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। तो मतलब सीक्वेंस बनता है किसी भी सेंटेंस, जिसमें मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक से एक दूसरे से लिंक है। आप पिछले वीडियोस को जाके देखो, नाउन एडजेक्टिव वर्ब को अच्छे से क्लियर करो, टीवी आई टीवी अच्छे से देखो, एक एक लेक्चर के वीडियोज है पूरे, ज़्यादा नहीं, एक मतलब आधे पौन घंटे के पूरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, तो उनको देखो, उसके बाद मैंने वर्ब बताया पूरा अच्छे से देखो, उसके बाद मैंने बी के यूज बताया, बी के बाद क्या क्या आ सकता है, जैसे बी के बाद मैंने बताया वर्ब की फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आ सकती है आईएनजी वाली, तो यहाँ पे आ रही है, इस हिसाब से सही हो जाएगा। और हैव के बाद नाउन आ सकता है, जो भी चल रहे, तो हैव के बाद ये नाउन आ रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये सही हो जाएगा। तो ऐसे भी अगर कहीं कुछ भी ऐसे गलत लगेगा ना आपको, तो आप अपने आप बता दो कि ये सेंटेंस गलत है, जो कि एग्जाम में पूछ जाते हैं, या पेन की जगह कुछ एडजेक्टिव डाल देता, या हैव की जगह कुछ और डाल देता, तो गलत हो जाता सेंटेंस। तो इस हिसाब से मैं पूरी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, तो इसके हिसाब से वर्ब की फोर्थ फॉर्म सही हो जाएगी, और हैव के हिसाब से ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट है, ये सही हो जाएगा, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही हैज सक्सीड इन हिज एग्जाम। अब हैज क्या है, हैज का यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद इसके जस्ट बाद वर्ब आ रही है, सक्सीड क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कैसे पता करते हैं, भी मैंने बताया पिछले वीडियोज में, अगर वर्ब का जो वर्ड है उसमें ईडी और आईएनजी दोनों से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। तो ये क्या है, ईडी और आईएनजी दोनों कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको, ये क्या है, ईडी और आईएनजी दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, जो सक्सीड है ईडी और आईएनजी दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, है ना, वर्ब हो जाएगी। और हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि या तो हैज के बाद दो चीजें आ सकती है, तो नाउन आ सकती है
या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो दोनों ही नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, अगर या बात करें पूरे सेंटेंस को गलत है तो भी पूरा सेंटेंस खोल के देखें तो क्या हो जाएगा, हिज लाइफ इस प्रिपोर्शन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है जैसे मैं बार बार बताता हूँ, टीवी का या फिर प्रिपोर्शन का, तो इस प्रिपोर्शन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखना, यहाँ पे जो ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने बीन डाल दिया, देख रहे हो आप, यहाँ पे बीन डाल दिया। अब जब बीन लगाते हैं सेंटेंस क्या हो जाएगा सही, अब बताता हूँ कैसे सही हुआ। पूरा सेंटेंस देखो, ही हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद दो चीज़ आ सकती है कि टीवी की, या तो फिर थर्ड फॉर्म या फिर नाउन आ जाएगी। तो बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी, थर्ड फॉर्म है। तो इस हिसाब से बीन के हिसाब से थर्ड फॉर्म सही हो गया। और बात करें सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे पता करता है, मैंने बताया था एडजेक्टिव के लिए एक रिदम बताई थी, क्या रिदम बताई थी, तुम गुड हो तुम बेड हो ना, तुम गुड हो तुम बेड हो तुम सक्सेसफुल हो। अगर जैसे बोलने में सही लगा सक्सेसफुल तो ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे नाउन बताया था तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर तुम्हारी सक्सेस, वैसे एडजेक्टिव में बता रहा हूँ तुम्हारा पेन तुम गुड हो तुम बेड हो तुम सक्सेसफुल हो, तो इस हिसाब से एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव किन के पहले आता है, बी के पहले एडजेक्टिव आता है। यहाँ पे बी तो लिखा हुआ ही है, ये बी का तो पार्ट है, बी के पार्ट, बी में कौन कौन आता है, इज एम आर वाजवर बी बीन और बींग, तो बीन आ रहा है यहाँ पे, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, तो इसका इसके हिसाब से सही हो जाएगा, इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। मतलब पूरी लिंक इंग्लिश एक अच्छे से लिंक्ड है बहुत अच्छे से, तो मैं पूरे अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि कैसे कहाँ से कोई चीज़ लिंक होती है, कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे क्या नहीं आता। तो यार प्लीज़ अगर सीखना है ना, पीछे से देखो, पूरा वीडियो देखते आओ, जितने भी वीडियो जाओ उनको देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी इंग्लिश कैसे काम कर रही है। अब जैसे इनका ही प्रिपोर्शन है, प्रिपोर्शन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, बार बार बोल रहा है तो टीवी का या फिर प्रिपोर्शन का, तो इस प्रिपोर्शन का इनका ही पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन हिज लाइफ। आगे देखते हैं, ही हैज़ टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ देखो, ये हैज़ टू बी है ना, ये कुछ अलग है यहाँ पे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मॉडल में, तो हैज़ टू क्या हो जाएगा, एक हैज़ टू क्या है, एक मॉडल है, तो मॉडल के जिस बार वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि बी की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, बी क्या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, और हैज़ टू क्या है, मॉडल, मॉडल के अब ये बी है, अब ये क्या है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या एडजेक्टिव है, जैसे पिछले वीडियो में बताया तुम बोलो तुम बेड़ो तुम सक्सेसफुल हो, ये सक्सेसफुल है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके बाद आता है, बी के बाद आता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बी के बाद एडजेक्टिव सही है, और हैज़ टू मॉडल है, तो मॉडल के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऐसे भी सही है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लगाता है, हैज़ टू बी बीन यहाँ बीन लिखा हुआ था, तो बीन के हिसाब से सक्सेसफुल सही है, लेकिन बीन हैज़ टू के बाद बीन थोड़ी ना आ सकता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ग की थर्ड फॉर्म थोड़ी, बीन तो क्या वर्ग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बीन नहीं आ सकता। तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या आता है, क्या पे क्या नहीं आ सकता, तो आप अगर पूरा फॉलो कर रहे हो तो इंग्लिश आपको बहुत इजी हो जाएगी, यार मैं बता रहा हूँ आप सबको। आगे देखते हैं, आई हैव बीन सेलेक्टेड। अब आई हैव बीन सेलेक्टेड, अब देखो पूरा खोले, सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हैव क्या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हैव के बाद दो चीज़ आ सकती है, कि थर्ड फॉर्म या फिर नाउन, जो कि बीन थर्ड फॉर्म है, ये हिसाब सही हो जाएगा। सेलेक्टेड क्या है, सेलेक्टेड बताओ, सेलेक्टेड क्या है, बताया था मैंने, क्या बताया था, टीवी है, टीवी का थर्ड फॉर्म, और टीवी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ये टीवी की, टीवी तो है, टीवी की थर्ड फॉर्म, टीवी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं, तो सेलेक्टेड। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके बाद आता है, बी के बाद आता है, तो बी के बाद एकदम सही लिखा हुआ है, बी के बाद एकदम सही लिखा हुआ है। अब बी के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जो कि टीवी का थर्ड फॉर्म है, यानी कि सर इसका रिएक्शन किधर होगा, क्योंकि जब बी के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ हो और टीवी की थर्ड फॉर्म हो, तो अपना रिएक्शन पीछे की ओर घुमाती है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो टीवी है वो अपना इफेक्ट आगे की ओर भेजती है, जैसे आई डिड दिस। अब यहाँ पे डिड क्या है, टीवी है, क्यों, आप टीवी से क्वेश्चन पूछो, मैंने किया क्या किया, यहाँ क्वेश्चन पूछो क्या किया, वाट है हमसे क्वेश्चन पूछने के बाद, वाट से क्वेश्चन पूछा क्या किया, दिस ये किया, क्यों, क्योंकि टीवी अपना रिएक्शन ऑब्जेक्ट पर डालती है। लेकिन अगर बीन लगा दिया, क्या पैसिव सेंटेंस है, अगर जब बीन अगर, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना, पहले इधर था, है ना, अब बीन लगा दिया, बीन लगा दिया तो बीन क्या है, अपने इफेक्ट को पीछे घुमाता है, अपना जो बीन लगाने के बाद जो टीवी आती है, टीवी अपने इफेक्ट को पीछे डाल देती है, है ना, पीछे डाल देती है, यानी कि बीन पर जो बीन प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म पीछे रिएक्शन देती है, और ओनली टीवी हो तो टीवी अपना रिएक्शन आगे की ओर देती है, जैसे टीवी है अपना रिएक्शन आगे की ओर देती है, लेकिन बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म पीछे की ओर रिएक्शन देती है, वो भी वर्ग भी कौन सी, टीवी होनी चाहिए, टीवी मैं सेलेक्ट हुआ, जैसे आई हैव बीन सेलेक्टेड हूँ, है ना, तो आई हैव बीन सेलेक्टेड, तो ये मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो ये होने का सेंस देती है बीन, तो क्या पीछे की ओर रिएक्शन देगी। जिसको भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, यार मैंने टीवी और आई टीवी में पूरा एडजेक्टिव अच्छे से कवर किया, तो उसको देखे आप, है ना। अगला आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड भी सही, क्योंकि ये एम क्या है, बी है, एम क्या है, बी, बी के बाद टीवी की थर्ड फॉर्म आ सकती है, तो भी अपना रिएक्शन पीछे की ओर देगी, क्यों, बी के पास बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म है ना, ये बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म में अपना रिएक्शन पीछे की ओर ही देगी, नहीं देगी, क्योंकि ये बी है और बी के पास टीवी की थर्ड फॉर्म, टीवी की थर्ड फॉर्म पीछे की ओर रिएक्शन देती है, है ना। अब यहाँ पे आई सेलेक्ट, अब यहाँ पे इसको सिंपल सेंटेंस में लिखते, आई सेलेक्ट
आई सेलेक्ट, यहाँ पे लिख दो आई सेलेक्ट अ कार। अब ये टीवी है, अब सेलेक्ट से क्वेश्चन पूछो व्हाट, क्या सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया कार। अब देखो यहाँ पे जो अपना डिक्शन आगे की ओर दे रही, लेकिन बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ जाए टीवी की थर्ड फॉर्म, तो पीछे को डिक्शन देती है। ठीक है, देखते हैं वन वर्ड। वन वर्ड क्या है, फोगेटिव। फोगेटिव यानी भगोड़ा, है ना, फोगेटिव यानी भगोड़ा, है ना। गवर्नमेंट यानी जी ओ यू आर एम ई टी, गवर्नमेंट यानी स्वादिष्ट भोजन, या सर आपका पार्क जो स्वादिष्ट भोजन को फरक लेता हो, सर आपको फरक लेता हो, वो क्या हो जाएगा, गोमेटिव, गोरमेट हो जाएगा। गुलबाइल का हो जाएगा, गुलबाइल का, गुलबाइल का हो जाएगा भोला वाला, जैसे सिंपल सा कोई, है ना, भोला वाला, जिसको भी कोई भी मतलब बेवकूफ बना सकता हो, सीधा साधा हो, तो वो क्या हो जाएगा, गुलबाइल हो जाएगा, जी डब्ल्यू आई बी एल ई, है ना। अगला देखते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक, जो मतलब धरती के बारे में पढ़ाई करता हो, उसकी स्टडी करता हो, ठीक है, अर्थ की। देखते हैं एडम फ्रेज, देखते हैं आज के एडम फ्रेज क्या है। टू ब्रिंग होम, टू ब्रिंग होम यानी, टू ब्रिंग होम यानी गंभीरता को प्रकट करना, गंभीरता मतलब सीरियसनेस प्रकट करना वहाँ पे, है ना, तो टू ब्रिंग होम इसका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं एन एल्बो रूम, एन एल्बो रूम यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब डिसीजन लेने की फ्रीडम हो किसी को, तो वो हो जाएगा एन एल्बो रूम, डिसीजन लेने की फ्रीडम हो किसी को। अगला देखते हैं टू फ्लाई ए काइट, टू फ्लाई ए काइट, लोगों की राय लेना, मतलब लोगों का ओपिनियन लेना, पीपल्स क्या ओपिनियन क्या है वो चीज़ जानना, ठीक है। अगला देखते हैं टू बी गुंगहू, टू बी गुंगहू, इसका मतलब क्या है, बिना सच्चाई जाने किसी चीज़ के बारे में उत्साहित होना, मतलब किसी चीज़ का कुछ पता है लेकिन उसके लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, यार इसका क्या है, इसका क्या है, लेकिन उसके बारे में रियलिटी नहीं पता, उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी उत्साहित हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी गुंगहू, ठीक है। तो आज अपना हो गया हैव का पार्ट टू, अगला देखेंगे पार्ट थ्री, जिसमें अपन हैव को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। जिसने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा, पिछली वीडियो को जाके देखे यार कि टी वी आई टी वी कैसे काम कर रहा है, बी कैसे काम कर रहा है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब कैसे निकालते हैं, अगर वो नहीं आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं बार बार बता देता हूँ वैसे भी, लेकिन इससे क्या है वीडियो लंबा खींच जाता है, तो आप पिछले वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों से जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में करंट अफेयर भी डालता हूँ डेली के डेली 5:30 पे, तो उन करंट अफेयर को देखिए, उसमें आपके पूरे किसी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर आते हैं वो अच्छे से कवर करता हूँ, जो डेली के करंट अफेयर होते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।